अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने इनसे इमली आलू बुखारे का शरबत भी पी लिया है, लेमन सोडा भी टेस्ट कर लिया है, इकबाल भाई का सोडा भी टेस्ट कर लिया है। अब हम आपको इसका रिव्यू भी ऑनेस्ट बताएंगे कि पॉइंट्स देंगे कि दोनों सोडा में से बेस्ट सोडा कौन सा था। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो आने का इंतज़ार करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़े की ये वीडियो है, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इस वक्त तो इकबाल सोडा शॉप पे, और मैं जब 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता था मैं तब से इनसे सोडा पीने आता होता हूँ, तो मैंने कहा आज आपको इनको भी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखिए सोडा बन रहा है इनका, और अभी अब थोड़ी देर तक इनका जो सिग्नेचर ड्रिंक है, 3-4 किस्म के ये बनाते हैं, लेकिन जो इनका स्पेशल सिग्नेचर ड्रिंक है वो हम लोग पियेंगे और टेस्ट करेंगे कि वो कैसा है। और रश मैं आपको दिखा देता हूँ इनके पास, माशाल्लाह सब लोग देखें सोडा पीने के लिए आए हुए हैं। तो बस अभी इनका हम भी सोडा पीते हैं और फिर आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें सोडा मिल गया है, सिग्नेचर ड्रिंक इनका जो है, टेस्ट कर लेते हैं। ठंड पड़ गई है, बहुत जबरदस्त सोडा है। अभी से यहाँ से मैंने नहीं टेस्ट करना, अभी दो सोडा सेंटर हो रहे हैं, जहाँ मैं वहाँ भी टेस्ट करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि सबसे अच्छा सोडा इस वक्त अटक का किसका है। तो पहली जगह से मैंने टेस्ट कर लिया, दो जगह पे अभी मैं और जाऊँगा। अच्छा फ्रेंड्स, इकबाल सोडा सेंटर से होते हुए हम फ्रेश पॉइंट पे पहुँच गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास क्या क्या वेराइटीज़ हैं। लेमन सोडा, वाटर में पेप्सी सोडा, सेवन अप, फालसा, संदल, लीची, और इस तरह काफ़ी। उसके बाद मशरूबात हैं, मिल्क फ्लेवर में दूध सोडा, मैंगो मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क, मिक्स फ्रूट मिल्क, आइसक्रीम मिल्क, इमली आलू बुखारे का शरबत। तो ये है, और यहाँ पे ये बन रहा है, और देखें लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग पी रहे हैं और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी रश का टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे रश शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इनके साथ गपशप लगानी थी, तो मैं इस टाइम पे आया हूँ जब थोड़ा कम रश हो तो इनके साथ गपशप भी लगाई जा सके। अच्छा खलील भाई जो है वो हमें आज संदल सोडा पिलाएंगे। अच्छा खलील भाई, आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? जी मैं 1987 से इसी जगह पे। फ्रेंड्स 1987 से ऑलमोस्ट कोई, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 40 साल तो होने वाले हैं। तो 35-36 साल से ये इसी जगह पे हैं, और यहाँ पे लोगों को गर्मियों में सबको सोडा पिला रहे हैं और लोगों को ठंडक पहुँचा रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी मैंने इनसे पूछा है कि इतने सारे सोडा तो मैं नहीं पी सकूँगा अकेले, तो अभी मुझे आप पिलाएंगे कौन सा? तो कह रहे हैं कि मैं आपको संदल का जो है स्पेशल सोडा, तो जब वो मेरा सोडा बनाने लगेंगे तो मैं आपको पूरा वो प्रोसेस बनते हुए भी दिखाऊँगा। और कल मैं इनके पास आया था तो इन्होंने मुझे बताया था कि जी हम जो इसके अंदर सोडे के अंदर जो मसाला डालते हैं उसके अंदर भी कोई कम से कम 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स डाल के, वो मसाला 18 से 20 चीज़ें मिक्स करके। तो मैंने इनसे पूछा कि वो 18-20 चीज़ें मुझे बता सकते हैं, तो कहते हैं नहीं, वो हमारा सीक्रेट है, हम अपना सीक्रेट नहीं रिवील करते, लेकिन सोडा मैं आपको पिलाऊंगा और सोडा बना के भी दिखाऊंगा, ये मेरे साथ उन्होंने कल वादा किया था। तो ये अभी स्टिंग सोडा बना है इनका, और कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, मज़े की लग रही है। बट मैं, इन्होंने कहा है कि हमारा जो सिग्नेचर ड्रिंक है वो संदल सोडा है, तो संदल सोडा मैं इनसे पीऊँगा। सर एक चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो मैं पीऊँगा, अच्छा चले फिर हम इस तरह करते हैं, जो आपका पसंदीदा है वो मुझे आप पिलाएं। ये जी मेरा बनना शुरू हो गया है सोडा, और उसके बाद इन्होंने पहले तो मेरे ख्याल में शीरा डाला है, चीनी का मिक्सचर जो तैयार हुआ होता है, और अब ये बीच में संदल ऐड कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और उसके बाद अच्छा वो पुरानी बॉटल थी, ये नई बॉटल देखें, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, जो कंपनी का फ्लेवर है कर्शी वालों का और मरहबा वालों का वो यूज़ करते हैं। तो ये अब इसके अंदर मेरे ख्याल में ये आइस डालेंगे, और उसके बाद ये क्या डाला, ये चीनी का सिरप।
और पहले क्या डाला था आपने? वो लेमन। अच्छा, वो लेमन डाला था और ये सोडा वाटर ऐड किया उन्होंने। और ये मेरा ड्रिंक रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह जी सैंडल का सोडा मुझे मिल चुका है, मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ। और अभी मैं भाई से गप लगा रहा था, भाई मुझे बता रहे हैं कि इनका जो इमली आलू बुखारे का शरबत है वो सबसे पहले इन्होंने अटक में इमली आलू बुखारे का शरबत इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि जिगर और मैदे के लिए बहुत अच्छा है और ठंडक पहुँचाता है। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं अभी इनसे इमली आलू बुखारे का शरबत भी टेस्ट करूँगा। सैंडल वाला तो मैं अभी पीने लगा हूँ और फिर इमली आलू बुखारे का शरबत भी टेस्ट करता हूँ और फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता इधर रश भी होना शुरू हो गया है। कुछ लोग वो देखें दूर खड़े होके पी रहे हैं, कुछ इधर और कुछ ये पीछे खड़े हुए हैं, कुछ लोग ये खड़े हुए हैं। और ये रात को 12-1 बजे तक यहाँ पे होते हैं, 2 बजे तक अटक में लाजमी होते हैं। थोड़ी सी मैं इनकी लोकेशन भी बता देता हूँ कि अगर आपने सोडा पीना है और क्वालिटी वाला सोडा पीना है अटक में, तो स्टेशन रोड के बिल्कुल साथ है फ्रेश रेलवे पार्क जो है, और फ्रेश पॉइंट के नाम से है। तो आप लोग जब कभी भी आए तो इधर आके इनका सोडा एक बार लाजमी ट्राई करना है। ये फ्रेंड्स इमली आलू बुखारे का शरबत बनना शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने आइस डाली है बीच में और उस साइड पे इन्होंने इमली आलू बुखारे का मशरूब तैयार करके रखा हुआ है। ओहो हो हो हो, ये इमली आलू बुखारे का शरबत। और इसका कलर देख के मेरा भी दिल कर आया है, आपके भाई 2 सोडा ग्लास पी चुके हैं लेकिन इमली आलू बुखारे का शरबत भी लाजमी टेस्ट करेगा, फिर बाद में देखेंगे जो भी होता है। तो बस अभी बना रहे हैं भाई हमारे लिए भी, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे ऑरेंज सोडा बनने लगा है जो मरिंडा की मदद से बनता है। फ्लेवर भाई के पास बहुत है, मैं पिछले कुछ 10 मिनट में कुछ 20 फ्लेवर बनते हुए देख चुका हूँ, बट डेफिनेटली मैं सारे फ्लेवर टेस्ट नहीं कर सकता। आहा, सोडा बनाना भी फ्रेंड एक आर्ट है और ये आर्ट बहुत कम लोगों को आता है। सिर्फ पानी मिक्स कर लेना और बोतल सोडे की डाल लेने से सोडा नहीं बनता, और इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त ये मसाला बनाते हैं। लेकिन मैंने अभी इनसे पूछा है कि मसाले में डालते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया बताने से कि मैं नहीं डालता। ऊपर इनो तो मुझे पड़ा हुआ नज़र आ गया, इनो का भी कोई रोल होता है जी? होता है। अच्छा, इनो भी डलता है जी बीच में इनके मसाले में? ज़बरदस्त। अभी हमें पता चला है कि माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। कौन से पारे पे हो आप? मेरे दो पारे हो गए। जबरदस्त, कहाँ से हिफ्ज़ कर रहे हो? इधर करीब शीट मारा, शीट मारा। चलो गुड, अल्लाह आपको कामयाब करे। और अब आखिर में फ्रेंड्स ऑरेंज और स्ट्रिंग फ्लेवर बन रहा है, ये चेक करें आप। और इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, स्ट्रिंग ओरिजिनल इसके अंदर डलती है और ऑरेंज में मरिंडा डलता है और सेवन अप में सेवन अप और पेप्सी में पेप्सी, कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह यहाँ पे नहीं डलता। इसलिए एंड पे मैं फिर सबको रेकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप अटक आएँ और क्वालिटी का सोडा पीना है तो खलील भाई के पास फ्रेश पॉइंट पे पहुँच जाएँ, रेलवे स्टेशन पार्क के बिल्कुल सामने। आखिर में अज़र पानी को इजाज़त है, अल्लाह पाक आपके रिस्क में खानों में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़।